नमस्कार, मैं जिलाधिकारी गोंडा आप सबको इस वीडियो मैसेज के माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि कतिपय संगठनों के द्वारा कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है और इससे जनमानस में एक असुविधा का भाव उत्पन्न हो रहा है। कुछ आईपीसी के सेक्शंस में बदलाव को लेकर गलतफहमियां और भ्रामक सूचनाओं का संचरण सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट से ज्ञात हो रहा है। तत्क्रम में कुछ पेट्रोल पंप्स पर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि ये जो पेट्रोल और डीजल है इसकी उपलब्धता जो है उसमें कुछ बाधा है। मैं अपने वीडियो मैसेज के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि पेट्रोल पंप्स पर निरंतरता सप्लाई की बनी रहे, इसको इंश्योर करने के लिए ईसी एक्ट के तहत सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कड़े दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। डिपोज से एक प्रॉपर सप्लाई चेन जो है वो बनी रहे, इस बारे में भी हम लोग सभी अमले के लोग जो हैं, डीएसओ, सिटी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को इंश्योर करा रहा है। साथ ही साथ में पेट्रोल पंप संचालकों और जो अनुबंधित टैंकर्स हैं उनका भी इसी एक्ट के तहत एक दायित्व बनता है कि वे इसके प्रोविजंस को अमल में लाएं। अगर अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होती है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत। अतः पुनः मैं इस बात को रिट्रेट करना चाहती हूँ कि इस भ्रम की स्थिति से हो रही असुविधा से लोग बचें और इस तरीके की कोई भी जो असुविधा है, भ्रामक सूचना है, उसको खंडन करते हुए जिला प्रशासन गोंडा इंश्योर कर रहा है कि किसी भी प्रकार का जो असुविधा लोगों में व्याप्त है वो ना हो। धन्यवाद।